हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी तो आप लोगों को पता चली गई होगी। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर वेज झींगी पार्सल। वैसे तो इसे प्योर मैदे से बनाया जाता है, लेकिन हम लोग आज इसे आटे से बनाएंगे। इसमें मैदे का बहुत ही कम यूज करने वाले हैं और थोड़ा सा बेसन भी यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपा और वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल दीपा दिल से में। और चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग पार्सल का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इसे गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब मैंने ले लिया है बारीक कटिंग किया हुआ प्याज, हरी मिर्ची है, लहसुन का पेस्ट है और पनीर को भी छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं और साथ में टमाटर की भी कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, चलिए ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम पहले डाल देते हैं हमारा जो लहसुन वाला पेस्ट था वो इसके अंदर डाल लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, थोड़ा सा ही फ्राई करना है आप लोगों को इसे। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और इसे भी फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और इन प्याज को भी हम लोग हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने चॉइस से इसमें और भी सब्जी डाल सकते हो, जैसे शिमला मिर्च डाल सकते हो, बारीक गाजर कटिंग करके डाल सकते हो। तो प्याज ब्राउन होने के बाद में इसमें हम लोग डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। अब इन सबको हमें अच्छे से पका लेना है और जब हमारी ये सब्जियां पक जाए तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च और ये है मेरे पास मिक्स हर्ब्स। मिक्स हर्ब्स के अलावा आपके पास ऑर्गेनो हो या चिली फ्लेक्स हो, कुछ मर्जी डाल लीजिए। और ये मैंने चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, ये चिली फ्लेक्स मैंने घर पर बनाकर ही तैयार किए हैं, इनकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। इन्हें बनाना काफ़ी आसान है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो फ्रेंड्स, ये मसाला इसमें डल चुका है और चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब डालते हैं फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा टमाटो केचप। मैंने 3 से 4 चम्मच टमाटो केचप के लिए है ये इसमें डाल दिया है। और लास्ट में डालेंगे इसमें पनीर के जो पीसेस किए हुए हैं वो इसमें डाल देंगे। और इन सबको हम लोग अच्छी तरह मिलाएंगे, बस 2 से 3 मिनट और पकाना है। पनीर डालने के बाद में आप इसे ज़्यादा मत पकाइएगा, वरना आपका पनीर जो है वो हार्ड हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला बनकर तैयार है। तो चलिए पार्सल की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, मेरे पास बड़े साइज का कप है, ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इसे प्योर मैदे से बनाया जाता है, लेकिन हम लोग इसे आटे से बनाएंगे। अब ये छोटा कप मैं डाल दूंगी इसमें एक मैदे का और 1/4 कप है मेरे पास बेसन। फ्रेंड्स, मैंने जितना आटा लिया है उससे छोटे कप में मैंने मैदा लिया है और 1/4 कप बेसन डाला है। बेसन डालने से इसमें कलर भी काफ़ी अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। वैसे बनाने को तो आप इसे प्योर मैदे से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आज इसे आटे से थोड़ा मैदा मिक्स करके और थोड़ा बेसन मिक्स करके बनाऊंगी। अब इसमें डाल देंगे हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक डालने के बाद में इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो। और अब इसमें डालेंगे शुगर पाउडर, मैंने 2 से 3 चम्मच शुगर पाउडर ले लिया है ये इसमें डाल देंगे, इससे इसके अंदर टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। अब ले लिया है मैंने दही। तो फ्रेंड्स, इस दही से ही हम लोग इसका डो तैयार करने वाले हैं। आप लोग भी इसका डो बनाने के लिए दही का ही यूज कीजिएगा, पानी से इसका डो मत बनाइएगा, पानी से आपके आटे के अंदर खमीर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसका डो बनाकर तैयार कर लूँगी। और ये देखिए हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और इस डो को चिकना कर लेंगे।
तो मैंने इसे चॉपिंग बोर्ड पे ले लिया है और अपने हाथों की हेल्प से इसे एकदम चिकना कर लूँगी। इस डो के अंदर क्रैक्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। आप लोगों को इसे मैश करके एकदम से चिकना बनाकर तैयार कर लेना है। और ये हमारा डो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम लोग इसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद में अब मैं एक पार्ट को उठाऊंगी और इसे रोल करते हुए लंबाई में बनाकर तैयार कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी इक्वल साइज़ में कटिंग कर लेते हैं। तो इक्वल साइज में जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ, उस तरीके से आप लोग इसकी कटिंग करोगे तो सभी पेड़ों का साइज़ सेम आएगा। कटिंग करने के बाद में मैंने हाथ पर लिया है थोड़ा सा घी और ऐसे गोलाई में घुमाते हुए हम इनके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये इतने आटे में हमारे 15 पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, यानी कि हमारे 15 पार्सल बन जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी सॉस बनाकर तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी में ली है 2 से 3 चम्मच टमाटो केचप और ये है मेरे पास एगलेस मेयोनीज। 2 चम्मच हम इसमें मेयोनीज डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच है टमाटो केचप और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी होममेड सॉस बनकर तैयार हो जाएगी जो हम हमारे इस पार्सल के अंदर यूज करेंगे आगे। और अब मैंने ले लिया है एक पेड़ा और इसे बेलन की हेल्प से पतला करते हुए हम इसे चपाती की शेप दे देंगे। इसे बेलते टाइम आप लोगों को ना ही तो इसे ज़्यादा पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, मीडियम साइज होना चाहिए इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी एक चपाती बनाकर तैयार कर ली है। और अब क्या करेंगे, इसे एक साइड से उठाइए और ऐसे फोल्ड कर दीजिए। अब दूसरी साइड से उठाइए और फिर से फोल्ड कर दीजिए। अब नीचे से उठाइए और फोल्ड कर दीजिए, यानी कि इसकी ट्रायंगल शेप बना लेनी है। अब हमने जो सॉस बनाई थी वो सॉस इसके ऊपर लगाएंगे। इस सॉस से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। और सॉस लगाने के बाद में फ्रेंड्स, हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया था वो मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा मसाला एक बाउल के अंदर निकाल लिया है और अब ये मसाला हम लोग इसके अंदर फिल कर देंगे। तो मसाला फिल करने के बाद में हमें इसे बंद करना है। तो बंद करने के फ्रेंड्स दो तरीके हैं। एक तो आप इस पे पानी लगा के इसे बंद करोगे, जैसे एक पार्ट आपने उठा लिया इसके ऊपर पानी लगाओगे और दूसरा पार्ट इसके ऊपर चिपका दोगे, सेकेंड पे पानी लगाओगे फिर इस पे थर्ड पार्ट चिपका दोगे। इस तरह से आप इसे पानी लगा के चिपका सकते हो, वरना आप एक लौंग लीजिए और इस लौंग को आप इसके अंदर सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो आपका पार्सल है ये एकदम क्लोज हो जाएगा और जब आप इसे बेक करोगे तो इसके जो पार्ट है वो ओपन नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं सेकेंड पीस भी आप लोगों को बनाकर दिखा देती हूँ। ये मैंने चपाती बना ली है और इसी तरह से हम लोगों को इसके किनारे 3 तरफ से फोल्ड कर देने हैं, यानी कि इसे ट्रायंगल शेप दे देनी है और वही सॉस हमें इसके अंदर लगानी है। और अब ये मसाला भी इसमें फिल कर दिया है। अब इसके पार्ट उठाइए, एक दूसरे पे रखिए और एक लौंग लीजिए और इस लौंग की हेल्प से आप इसे क्लोज कर दीजिए, यानी कि सेंटर में लौंग रखकर आपको दबा देना है। और ये देखिए, इस तरह से आपका वेज पार्सल बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे सारे पार्सल बनकर तैयार हो चुके हैं और सभी को मैंने लौंग से ही क्लोज़ किया है। तो फ्रेंड्स, अब इन्हें बेक करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया है, एक कटोरी में मैंने ले लिया है दूध और इसमें डाल दिया है शुगर पाउडर। इस शुगर पाउडर वाले दूध से हम इनके ऊपर लेप करेंगे, इससे जब ये बेक होंगे तो इनके अंदर काफ़ी अच्छा कलर आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी ये पार्सल बेक हो चुके हैं। ये देखिए, इनके ऊपर काफ़ी अच्छा कलर आया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ले लिया है थोड़ा सा मेल्टेड घी और इस मेल्टेड घी से मैं इनके ऊपर थोड़ी सी पॉलिश कर दूँगी, जिससे क्या होगा कि इनके ऊपर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये डोमिनो स्टाइल पार्सल बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। आप लोग इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स हम लोग जल्दी ही मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप एंजॉय दिस वीडियो।